अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज होममेड फूड रेसिपी के किचन में काबली पुलाव यानी कि अफगानी पुलाव बनने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे सिटी में बारिश भी हुई है और फ्राइडे स्पेशल है। के साथ में आपको अफगानी चटनी बनाना सिखाऊंगी, जिसके बगैर अफगानी पुलाव का जायका अधूरा है। चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अफगानी पुलाव के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और उसकी चटनी के इंग्रेडिएंट्स वीडियो के मिड में बताऊंगी। उसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहले हमें 1 kg गोश्त चाहिए और ऐसे हड्डी वाला, इसको धोकर रख लेना है। 1 kg चावल, 3 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर, लहसुन के जवे, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा मेवा, 3 अदद बारीक कटी हुई गाजर, 1 कप घी लेना है। सबसे पहले कुकर में हमने गोश्त को डालना है, फिर 1.5 लीटर पानी ऐड करना है। अब इसमें लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं। एक चम्मच नमक की डालनी है, थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर लेंगे। अब हमने 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर पे रख देना है। दूसरी तरफ एक देचके में हमने 1 कप घी डालना है और उसको 1 मिनट के लिए गर्म करना है। अब इसमें हमने मेवे ऐड कर देने हैं, 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। मेवे पक चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपने इसी शक्ल में मेवा को फ्राई करना है। अब इसी ऑयल में हम 3 अदद गाजर को भी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। गाजर हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको भी हम अब डिश आउट कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है, देखिए इतना ये गोश्त गला हुआ होना चाहिए। अब इसकी यखनी को हम अलग-अलग कर लेंगे और इसी यखनी में हम पुलाव बनाएंगे। गोश्त को मैंने यखनी से अलग-अलग कर लिया है। अब इसी ऑयल में गोश्त को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि वो लाइट गोल्डन हो जाए। ध्यान से कि बोटियां टूटे ना। गोश्त को इस तरह फ्राई करके डिश आउट कर लेना है। अब उसी ऑयल में हम 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज डालेंगे और प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए सोते करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें हम 3 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। एक चम्मच नमक की डाल के 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को ढक के रख देना ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें मैं यखनी ऐड कर दूंगी। यखनी आपने इतनी डालनी है कि आपके चावल डूब जाएं। अब इसमें हम 1 किलो चावल भी डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डाल के 10 मिनट के लिए ढक देना है।
10 मिनट के बाद चावल में हमारी यखनी जज्ब हो चुकी है। अब इसको हमने दम लगाना है। दम लगाने के लिए सबसे पहले फ्राई गाजर को डालना है। मैं थोड़ी सी गाजर और मेवे को छोड़ दूंगी जिससे मैं गार्निश करूंगी। अब इस पे फ्राई गोश्त भी डाल देना है। दम लगाने के तरीके को जरा गौर से देखना आपने। पहले एक रुमाल को ऐसे आपने बिछा लेना है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के चारों तरफ से मोड़ देना है और किसी भारी चीज से इसको ढक देना है ताकि एयर टाइट में अच्छा सा दम लग जाए। दम आपने तकरीबन 10 मिनट का लगाना है। जितनी देर दम होता है दूसरी तरफ हम अपनी स्पेशल अफगानी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। 3 अदद सब्ज मिर्च, पुदीना, 2 लहसुन के जवे, अदरक का टुकड़ा और सिरके में मैंने 1 चम्मच पानी डाल दिया था। आपने इसको ग्राइंडर में नहीं करना, हाथ से कूटना है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। इसको इसी शक्ल में कूटना है। अब इसको सिरके में ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ हमारा दम तैयार हो गया। माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। अब जो मैंने गाजर और मेवा छोड़ा था इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से काबली पुलाव तैयार हो गया है, काबली पुलाव की चटनी के साथ। आप ये रेसिपी घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।